नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस लेकर आया हूँ, एक बहुत ही शानदार बिजनेस मशीनरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो छोटी सी मशीन देख रहे हो, ये मशीन दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन दोस्तों इस मशीन का काम बहुत ही बड़ा है। ये मशीन जो है एक पैकेजिंग मशीन है और यूनिक तरीके से जो है प्रोडक्ट को पैकेजिंग करती है। इस मशीन से आप 10 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पैक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की पैकेजिंग आप इस मशीन से कर सकते हो। और दोस्तों, इस मशीन से जो भी प्रोडक्ट पैकेजिंग होते हैं, वो प्रोडक्ट सीधे दुगुना रेट में मार्केट में सेल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधी उस प्रोडक्ट की रेट जो है डबल हो जाती है। जैसे अगर आपने किसी प्रोडक्ट को 10 रुपये में मार्केट से ख़रीदा है, तो इस मशीन से पैक करने के बाद वो आपका जो प्रोडक्ट है वो 20 रुपये में सेल होगा। दोस्तों, इस मशीन से जो है सभी महंगे प्रोडक्ट पैक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी महंगे प्रोडक्ट पैक करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। दोस्तों, ये जो मशीन है, ये मशीन बहुत ही शानदार है, यूनिक मशीन है और नए तरीके से जो है प्रोडक्ट को पैकेजिंग करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटी सी मशीन की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि इस मशीन से आप कौन कौन से प्रोडक्ट पैकेजिंग कर सकते हो, कैसे पैकेजिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट को आपको मार्केट में कैसे सेल करना है, मशीन की क्या प्राइस है और मशीन आप कहाँ से बाय कर सकते हो, आप मशीन को कहाँ से खरीद सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर अगर आपका बिजनेस पहले से कोई चल रहा है, तो उस बिजनेस की पहचान बनाने के लिए आपका एक लोगो होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपके बिजनेस का एक लोगो होना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो हमारी कंपनी का आप ये लोगो देख सकते हो, हमारी कंपनी का नाम परमार प्रोडक्ट्स है और हमारी कंपनी का ये एक लोगो बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको भी जो है लोगो की बहुत ज़रूरत है। आप वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार का जो है लोगो बनता है। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो, तो उसका लोगो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। लोगो से आपके बिजनेस की, आपके कंपनी की पहचान होती है और आपका जो बिजनेस है वो एक प्रोफेशनल बिजनेस लगता है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोफेशनल टाइप का जो है आपका बिजनेस लगता है। जब लोग आपके लोगो को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो प्रोफेशनल बिजनेस है, नया बिजनेस है और मतलब इनकी जो कंपनी है वो एक प्रोफेशनल कंपनी है। इसलिए दोस्तों, आपको लोगो ज़रूर बनवाना चाहिए। अगर आप लोगो बनाना चाहते हो मेरे जैसा, यूनिक लोगो बनाना चाहते हो मेरी कंपनी के जैसा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लोगो कॉरपोरेशन कंपनी के नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है लोगो कॉरपोरेशन, वो कंपनी जो है आपको लोगो बनाकर देती है और लोगो के साथ साथ जो है कंपनी आपका इंट्रो भी बना देगी। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए इंट्रो बनाना है, तो वो कंपनी आपको इंट्रो भी बनाकर दे देती है। इंट्रो देख सकते हो आप वीडियो में, कुछ इस प्रकार का जो है इंट्रो होता है, तो इंट्रो भी जो है वो कंपनी बनाती है। तो दोस्तों, प्लीज़ अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए, उस नंबर पर कॉल कीजिए और आपकी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा लोगो बना लीजिए यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये रही वो छोटी सी मशीन, ठीक है। इस मशीन का क्या नाम है, इस मशीन से क्या क्या प्रोडक्ट आप पैकेजिंग कर सकते हो, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस मशीन का नाम है वैक्यूम सीलर। जी हाँ दोस्तों, वैक्यूम सीलर। वैक्यूम सीलर का मतलब ये होता है कि ये जो मशीन है, ये मशीन हवा निकाल के प्रोडक्ट को पैकेजिंग करेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस टाइप से जो है ये मशीन प्रोडक्ट को पैकेजिंग करेगी। इस पैकेट के अंदर पूरी जो हवा है वो बाहर निकाली हुई है, यानी ये जो मशीन है, ये मशीन पहले हवा को बाहर निकाल के खींच लेती है, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग करती है। दोस्तों, हवा निकालने के बाद अगर आप प्रोडक्ट को पैक करते हो, तो प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। जो भी प्रोडक्ट आप इसके अंदर डालते हो, अभी ये प्रोडक्ट जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। चलिए, अभी मैं आपको जो है मशीन का पूरा लाइव डेमो दिखा देता हूँ कि मशीन से जो है किस प्रकार से आप भी हवा निकाल कर प्रोडक्ट को पैकेजिंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये खजूर के पैकेट है, ये जो खजूर के पैकेट है, ये पैकेट इसी मशीन से पैक किए हुए, आप देख सकते हो क्वालिटी, ठीक है। दोस्तों, ऐसे तो आपको विश्वास होगा नहीं, मैं आपको लाइव डेमो अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, अभी जो है मशीन का लाइव डेमो देख लेते हैं। मशीन से प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसको जो है लाइट स्विच में डाल देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से इसको ऑन करना है। ये देखिए, इस टाइप से जो है मशीन को आपको यहाँ से ऑन करना है। ये हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है इस मशीन को खोलने के लिए यहाँ पे दो स्विच दिए हुए, इस टाइप के दो बटन हैं, वो आपको दबाने हैं। तो ये हमारी मशीन जो है वो खुल चुकी है, आप देख सकते हो। अभी आपको जो है प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना है, पैक करना है। तो प्रोडक्ट को पैक करने के लिए आपको जो है इस प्रकार के पाउच की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, इस मशीन से जो भी आप प्रोडक्ट पैकेजिंग करोगे, उसके लिए अलग टाइप के पाउच यूज में लिए जाते हैं। देखिए, इस टाइप के पाउच की आपको ज़रूरत होती है। इस पाउच, ये जो पाउच है, इनके साइड की जो बॉर्डर आप देख सकते हो, 10 mm की जो है साइड में इनकी बॉर्डर है, ठीक है ना, जिससे ये होता है कि पैकेजिंग करने के बाद ये फटते नहीं है, आप देख सकते हो। तो इस टाइप के पाउच की आपको ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये पाउच जो है आपको हमारे पास मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग साइज के पाउच आते हैं। देखिए,
ये सिल्वर पाउच है, एक साइड से ट्रांसपेरेंट, एक साइड से सिल्वर है, ठीक है। ये अलग साइज के पाउच है, ये अलग साइज के पाउच है, और इस टाइप के अगर आपको एकदम पूरे ट्रांसपेरेंट पाउच चाहिए तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो चलिए अभी मैं आपको पैकेजिंग करके जो है दिखा देता हूँ। तो आपको जो है मशीन को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ सील वैक्यूम, इसके साइड में कुछ इस प्रकार का जो है एक बटन है, एक स्विच है। इस स्विच को आपको जो है इस टाइप से आगे प्रेस करना है। तो अभी देखिए हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों मशीन तो पहले ही ऑन हो गई थी, अभी ये जो है ये सील वैक्यूम, यानी ये जो है मशीन, ये अभी हमने जो इस स्विच को आगे किया है, यहाँ से जो है हवा अंदर खींचेगी ये मशीन, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जो है इसको आगे प्रेस कर देना है, फिर कुछ इस प्रकार का साउंड आएगा। साउंड आएगा तो आप समझ जाना कि जो है मशीन ने हवा खींचनी स्टार्ट कर दी है। उसके बाद आपको जो है पाउच को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको पाउच को यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपको इस मशीन को यहाँ से बंद कर देना है कुछ इस प्रकार से। अभी ये मशीन जो है बंद हो चुकी है, और आप देख सकते हो हमारी जो भी हमारा पाउच का पैकेट है उसके अंदर की पूरी हवा जो है इस मशीन ने खींच ली, आप देख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो दाल हमने इसके अंदर पैक की थी, और आप दाल की क्वालिटी देख सकते हो, पूरी एयर जो है इस मशीन ने इस पैकेट के अंदर से निकाल दी है। अभी दोस्तों आपको इस पैकेट को पैक करना है, एयर तो इस मशीन ने निकाल दी, अभी आपको इसको पैक करना है। पैक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सील टाइम सेट करना है, ठीक है। मैंने 3 सेकंड का टाइम यहाँ पर सेट किया है, यानी 3 सेकंड में जो है आपका ये पाउच पैक हो जाएगा। अभी आपको पैक कैसे करना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रेसिंग करने का एक लंबी लंबी लाइन, एक लंबी लंबी ये देखिए लाइन दी हुई है, इसको आप जैसे दबाओगे तो आपका ये जो पैकेट है वो पैक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको पैक करके दिखा देता हूँ। आपको दोस्तों इसको दबाना है, और यहाँ पर ये देखिए 2 लाइट है, वैक्यूम और सील। ये सील की लाइट जो है जब जल के ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी तो आपका पैकेट जो है वो पैक हो चुका है। तो चलिए मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए अभी लाइट जल रही है, ये बंद हो गई, मतलब हमारा जो पैकेट है वो पैक हो चुका है। चलिए अभी हम इस मशीन को ओपन करके देख लेते हैं किस प्रकार की पैकेजिंग हुई है। तो मशीन को ओपन करने के लिए साइड में देखिए ये जो 2 स्विच है इनको आपको प्रेस करना है, और ये हमारी मशीन जो है वो खुल गई है। और ये देखिए दोस्तों हमारा जो पैकेट है वो पैक हो चुका है, और आप क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों। अभी इसके अंदर हमने जो भी प्रोडक्ट डाला, इस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ गई है, अभी ये प्रोडक्ट जो है बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो मशीन है इस प्रकार से काम करती है। इस मशीन से आप और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट पैकेजिंग कर सकते हो। अभी आप यहाँ पर जो है अपनी कंपनी का स्टिकर लगा के इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। चलिए मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट भी पैक करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास बादाम है, ठीक है, तो जल्दी से मैं बादाम को भी पैक कर देता हूँ। आपको इसको आगे प्रेस करना है, इसको अंदर डालना है, फिर मशीन को यहाँ से प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए सब हवा को जो है मशीन ने अंदर खींच लिया है। अब तो अभी आपको इस पैकेट को पैक करना है। पैक करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऊपर ये जो सीलर दिया हुआ है इसको आपको यहाँ से प्रेस करना है। तो ये मैंने प्रेस कर दिया, और यहाँ पर ये देखिए ये जब लाइट बंद होगी तो हमारा पैकेट पैक हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा पैकेट पैक हो गया, अभी चलिए हम इस मशीन को ओपन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों बादाम जो है पैक हो चुकी है, सब हवा जो है इस मशीन ने बाहर निकाल दी, और आप क्वालिटी भी देख सकते हो। अभी हमारा बादाम का पैकेट जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अभी आप इसके पीछे जो है अपनी कंपनी का स्टिकर लगाकर इस पैकेट को डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हो। ये जो पैकेट है अभी आपके बहुत ही ज़्यादा रेट में सेल होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रेट में आपका ये पैकेट अब मार्केट में सेल होगा। तो अभी हम जल्दी से फटाफट और भी हमारे जो प्रोडक्ट है वो पैक कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आप पैकिंग का पूरा प्रोसेस देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों पाउच को अंदर डालने के बाद आपको यहाँ से इन दोनों साइड से जो है मशीन को प्रेस करना है, और यहाँ पर ये देखिए ये जो है मशीन ने पूरी एयर निकाल दी है, ठीक है। एयर निकलते ही दोस्तों आपको जो इस पाउच को पैक कर देना है। तो पैक करने के लिए यहाँ पर ये जो सीलर लगा हुआ है इस सीलर को आपको प्रेस करना है। तो ये हमने जो है सीलर को प्रेस कर दिया है, और यहाँ पर ये हमारी पैकेजिंग जो है वो हो चुकी है। चलिए अब हम इसको जो है यहाँ से ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये पैकेट भी हमारा जो है पैक हो चुका है, और आप क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है।
तो इस टाइप से दोस्तों जो है आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठे इस मशीन से प्रोडक्ट पैक कर सकते हो और उन्हें मार्केट में सेल करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, आप सिर्फ क्वालिटी देखिए, इतनी सी भी एयर जो है इस मशीन ने अंदर नहीं छोड़ी है। ठीक है, अभी हमारे पास और भी प्रोडक्ट है, वो भी हम पैक कर देते हैं फटाफट। चलिए, तो देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड में जो है मशीन ने पूरी एयर को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अभी चलिए हम इसको सील भी कर देते हैं। ये हमारा पैकेट जो है वो सील हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट एक और पैकेट है, वो भी हम पैक कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको भी सील कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, आप देख सकते हो। अभी हमने जो है कुछ ही टाइम में यहाँ पर 5 पैकेट पैक कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो पाउच है, ये पाउच भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ये जो मशीन है, ये मशीन भी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी होगी, उस वीडियो को देखकर अगर आप कॉल लगाते हो तो आपका कॉल अटेंड नहीं किया जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका कॉल ज़रूर अटेंड किया जाएगा। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हो या फिर इस मशीन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो, तो वीडियो के स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट कॉल करके जो है हमसे बात कर सकते हो और इस मशीन के बारे में और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट अंदर पैक हुए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये बादाम पैक किए, ये दाल पैक किए, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अंदर के अंदर पूरी चिपक रही होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप इसको खोलोगे तो ये जो है वापस पहले वाले शेप में आ जाएगी। पहले हमने जो है पैक की थी, उससे पहले हमारी दाल कैसी दिख रही थी, वैसी की वैसी दाल हमारी दिखेगी। चलिए मैं आपको इस पैकेट को खोल के दिखा देता हूँ, बादाम के पैकेट को, आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि दाल ही चिपकी होगी, तो मैं आपको दाल ही खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका पैकेट कुछ अलग टाइप से आपको लग रहा है। तो जैसे ही हम खोलेंगे ना इसको, देखिए, तो ये जो है जैसे इसके अंदर एयर जाएगी तो ये वापस पहले वाले शेप में आ जाएगी। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल वगैरह अंदर चिपकी है, ये देखिए वापस पहले वाले शेप में आ गए। यानी इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होता है। आप नरम से नरम चीज़ भी अगर आप इसके अंदर पैक करते हो तो वो भी जो है काटने के बाद वापस पहले वाले शेप में आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मशीन की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। आप पाउच देख सकते हो, अलग अलग साइज़ के पाउच आते हैं। ठीक है, सब पाउच आपको हमारे पास मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस मशीन की आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई है। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो दोस्तों 7,500 रुपये की ये मशीन है, और दोस्तों इस मशीन के साथ जो है हम आपको 2 kg पाउच देते हैं। यानी ये टोटल जो पूरा सेट है, ये सेट आपके 8,000 रुपये का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7,500 की मशीन है और स्टार्टिंग में हम आपको 2 kg पाउच देते हैं अलग अलग साइज़ के, जिससे आपको जो है पैकिंग करने में आसानी होती है। आपको पाउच के लिए मार्केट में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट उस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो और इस मशीन के बारे में और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।